धूप खिली है, मेरे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मुझे फौरन दूसरे कपड़े भी धो लेने चाहिए। कपड़े सुखाने के लिए तो धूप बहुत ही बढ़िया है, मगर ये पिकनिक मनाने के लिए और भी अच्छी है। ठीक कहा। मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पर जरूर चलती, पर मुझे बहुत सारे काम है। कभी कभी मैं तुम्हें सचमुच समझ नहीं पाता सिंड्रेला, तुम उन लड़कियों को अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धोने देती? ठीक कहता है, कैथरीन और जील को अपना काम खुद करना चाहिए। तुम हमेशा तो उनके साथ ही रह सकती। सिंड्रेला? हाँ? सिंड्रेला, मेरे स्कर्ट की सिलाई निकल गई है, यहाँ आकर उसे ठीक कर दो। तुम्हें मेरा काम पूरा होने तक इंतजार करना होगा। मैं धूप का फायदा उठाते हुए कुछ और कपड़े धोना चाहती हूँ। ये करने में तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। मैं इंतजार नहीं करना चाहती, तुम कपड़े बाद में धो लेना। उससे कहो कि वो खुद सिलाई कर ले, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। और नहीं तो क्या? बहुत ही आलसी है, मैं जानती हूँ, मगर मैं तुमसे बार बार नहीं कहूँगी सिंड्रेला। तुम जल्दी से मेरी ड्रेस सिलाने के बाद कपड़े धो सकती हो। तुम हर चीज को मुश्किल क्यों बना रही हो? अब जल्दी से आ जाओ। कैथरीन रुको। अब क्या है? सिलाई करना तो बड़ा ही आसान है, मानो बच्चों का खेल हो। तुम सीख जाओगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, यकीन मानो। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। मुझे खुशी है कि तुम्हें इसमें मजा आता है, पर मुझे नहीं आता। हमें समझ जाना चाहिए था। क्या पढ़ रही हो इजाबेल? बस कुछ प्रेम पत्र हैं। देखिए, आज मुझे 4 खत मिले, चारों शादी के लिए बिल्कुल लायक हैं। राजकुमार का कोई खत नहीं? मुझे राजकुमार चार्ल्स में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, उस घटना के बाद जब मैं घर से भाग गई थी। बेट्स के ड्यूक के दोनों बेटे, विल कॉक्स के वाइकाउंट, कोई भी लायक नहीं है। ओह, इनमें से तो हर कोई लायक है, कम से कम वो मेरी ओर पूरा ध्यान देते हैं। मेरी बात सुनो इजाबेल, तुम सिर्फ राजकुमार चार्ल्स से ही शादी करोगी? बहुत हुआ, आप मेरी हर बात में दखल देना बंद कर दीजिए। क्या तुम्हें यकीन है कि राजकुमार चार्ल्स के कोई और राज नहीं है? जी नहीं, कभी कभार वो घर से भाग जाते हैं। वो लड़का तुम दोनों से बहुत चालाक है, उसके जरूर और भी राज होंगे। मुझे यकीन है कि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा तुम दोनों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना। मैं तुम दोनों से ज्यादा होशियार हूँ, उसके पास जरूर कोई राज होगा जिसका फायदा उठाकर मैं इजाबेल से उसकी शादी करा सकूं। कैथरीन, कैथरीन, क्या हो गया है तुम्हें जीन? तुम तो पूरे घर को हिला रही हो, अब जल्दी से बता दो। अभी अभी ड्यूक जरार यहाँ पर आए थे। पता है, मैंने उन्हें यहाँ से देखा था। तुम्हें कुछ कहना भी है या नहीं? हाँ, तो बैठ जाओ, कहीं तुम बेहोश ना हो जाओ। अब बोलो। हमें राजमहल में जाने का न्योता मिला है। क्या?
बाहर से मिल सकूंगी। मेरी बेटियां आपको निराश नहीं करेंगी ड्यूक जराल, उन्हें अपने सामाजिक स्तर के मुताबिक ही शिक्षा मिली है। मुझे यकीन है कल कोई सवारी लेकर उन्हें राजमहल में ले जाने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, वो तैयार रहेंगी। फिर मिलेंगे। अलविदा ड्यूक और शुक्रिया। मरिया, वो नहीं जानती कि राजकुमार चार्ल्स पर नजर रखने के लिए हमने उसकी बेटी का इस्तेमाल किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा इरादा ये है? हाँ माफ करना, पर राजकुमार के कमरे की सफाई करने के लिए वो बिल्कुल सही उम्मीदवार है। जैसे ही मैंने राजमहल का जिक्र किया, मैडम डेलबन के कान पूरी तरह खड़े हो गए और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि राज्य की सभी लड़कियों में से उन्हीं की लड़कियों को चुना गया है। दरअसल मैंने उन्हें चुना क्योंकि मेरे घर से उनका घर बहुत करीब है। उम्मीद है वो भी अपनी माँ की तरह फौरन मान जाएंगी। मेरा साथ देने का शुक्रिया दोस्तों, इससे मेरा काम आसान हो जाता है। ये सारा काम अकेले करना तो काफी मुश्किल है। अब मैं सो जाती हूँ, कल मुझे बहुत काम करने हैं। तुम्हारे पास हमेशा ही बहुत काम होता है। तुम चाहो तो हम तुम्हारी ज्यादा मदद किया करेंगे। शुक्रिया, तुम सब नहीं होते तो मेरा क्या होता दोस्तों? ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। गुड नाइट दोस्तों, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। हम छुट्टियों पर जाने के लिए तैयार हैं। सिंड्रेला ने सबसे अच्छे कपड़े भर दिए हैं। बढ़िया, अब मैंने तुम्हें जो तमीज की बातें सिखाई हैं, उन्हें अच्छी तरह याद रखना ताकि तुम दोनों राजकुमार को खुश कर सको। अगर तुमने मेरी बातें मान ली तो बहुत जल्द तुम्हारा राजकुमारी बनने का सपना हकीकत में बदल जाएगा। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। मैं इसे जाने से नहीं रोक सकती। ड्यूक जराल ने खास तौर पर कहा है कि ये न्योता तीनों के लिए है। मामा, आपने ड्यूक से क्यों नहीं कहा कि ये नामुमकिन है? हाँ, क्यों नहीं कहा? मैंने कहा तो था, पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे सकी। मैं ड्यूक की बेइज्जती नहीं कर सकती थी। क्या पता वो न्योता वापस ले लेते तो। लेकिन अगर हम सिंड्रेला के साथ राजमहल में गए तो कितना घटिया लगेगा। जीन ठीक कहती है मामा। मेरी बात सुनो, तुम्हें सिंड्रेला की मौजूदगी का फायदा उठाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मिसाल के तौर पर तुम उसका इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए करो। क्या ख्याल है? जरूर, पर क्या आपको लगता है कि हमारी खूबसूरती का इसके साथ कोई मेल हो सकता है? मेरे ख्याल से ये बढ़िया आइडिया है मामा। ये हमारे साथ चल सकती है। न जाने उन्होंने हमें नौकरों के कमरे के सामने क्यों छोड़ा। पता नहीं। कपड़े बदल लो। काम करने के लिए ये कपड़े ठीक नहीं हैं। इन्हें ऊपर ले जाकर फ्रॉक्स दे दो। लेकिन तुम्हें कहाँ ले जा रही हो? और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इन्होंने हमें नौकरों के कपड़े क्यों दिए हैं? और इस हॉल की सफाई हम क्यों करें? ये कितना बड़ा है, कोई गलती हुई होगी। हम यहाँ काम करने नहीं आए हैं। hey, तुम दोनों काम शुरू करो वरना काम खत्म नहीं होगा। जी मैम। जब हॉल की सफाई हो जाए तो सीढ़ियों पर चली जाना। जी मैम। बहुत बढ़िया। कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? हम ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत विशाल है। बहुत ही बड़ी। फिर सपने देख रही हो? नहीं। बहुत अच्छी, और जोर लगाओ। सारी धूल साफ करो और तुम अपने हाथ तेज चलाओ। ओह, मैं तो भूल ही गई, हमारे खाने का वक्त हो गया है। जैसे ही सीढ़ियों की सफाई हो जाए हम तुम्हें बढ़िया खाना देंगे, समझ गई तुम लोग? ओह शुक्रिया। राजमहल की सीढ़ियाँ साफ करना मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हें? हाँ तुम ठीक कह रही हो। ला 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 ला। बस इतना ही? आज सुबह ही बना था, इसे जल्दी से खा लो लड़कियों, वरना रात तक कुछ भी नहीं मिलेगा।
बदन दर्द कर रहा है। मेरा मेरी पीठ बहुत सख्त हो गई है। मेरी ज्यादा है कैथरीन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा मसाज नहीं दे सकती? तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मेरी पीठ में दर्द है जीन, मसाज की जरूरत तो मुझे है। पता नहीं ये कैसे करती है, मैं तो यहाँ हरगिज नहीं सो पाऊंगी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके लिए घर जैसा ही है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हम यहाँ काम क्यों कर रहे हैं। पता नहीं, शायद वो ये देखना चाहते हैं कि हम कितनी ताकतवर हैं। हाँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है एक राजकुमारी बनना आसान काम नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है और हमेशा चुस्त रहना पड़ेगा। इसीलिए शायद वो ये देखना चाहते हैं कि प्रिंस की मंगेतर हर मामले को संभाल सकती है या नहीं। हाँ कैथरीन, यही बात होगी, शायद इसलिए उन्होंने हमें ये बात पहले नहीं बताई। मुझे उम्मीद है ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा, मुझे इसकी आदत नहीं है। और वो मोटी औरत तो साये की तरह हमारे पीछे पड़ती है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ये करो वो करो, कहीं वो ये न समझते कि हम बहुत देर तक उसका ये गंदा काम करते रहेंगे। मगर जरा सोचो कैथरीन, आज रात हम उसी छत के नीचे सोएंगे जिसके नीचे हमारे सपनों का राजकुमार सोएगा। मैं बेहोश हो जाऊंगी। जरा सोचो जीन, अब हमारी उससे शादी बहुत दूर नहीं है। खामोश हो जाओ वरना कल तुम ठीक से काम नहीं कर सकोगी। मुझे माफ कर दो पैच, मगर हम तुम्हारे लिए बस इतना ही खाना इकट्ठा कर पाए। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तुम इतने दुखी क्यों हो पैच? गुड इवनिंग मिस पॉलेट। घर की मालकिन पैच को खाना देना भूल गई। बेचारा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं सब संभाल लूंगी। शुक्रिया, मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकूंगा। ये सारा काम दोपहर तक हो जाना चाहिए, समझ गई? दोपहर के बाद तुम्हारे लिए और काम होगा, चलो शुरू करो, तुम यहाँ कभी बोर नहीं होगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ कपड़े सिलाना सिंड्रेला की खासियत है। ओह हाँ वो तो है, ये लो मेरे हिस्से का भी तुम ही कर दो। बाय बाय। और मेरा भी, अलविदा। जीन और मैं टहलने जा रही हैं। बाय बाय। ड्यूक सराल ने खुदा कर कहा कि हम चुपके से प्रिंस चार्ल्स पर नजर रखें और इन्होंने इसमें तुम्हें शामिल नहीं किया है। मजे करना यहाँ। बहुत स्वादिष्ट है, क्या वो नई नौकरानियाँ काबिल हैं मैडम? हाँ। जराल की लाई हुई वो तीन बहनें? क्यों पूछा तुमने, उनकी फिक्र हो रही है। ड्यूक जराल ने जीनी और कैथरीन को राजकुमार के कमरे में रखने के लिए कहा था, मुझे आपकी राय जाननी थी। मैं इजाजत नहीं दूंगी, वो लड़कियाँ तो कोई काम ढंग से नहीं कर पाती, उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया होगा। इस काम के लिए तो मैं सिर्फ उस प्यारी सिंड्रेला को ही भेज सकती हूँ। राजकुमार चार्ल्स, यूहू! राजकुमार चार्ल्स! ओ इतनी जोर से मत पुकारो, सारा महल सुन लेगा। जब तक मैं उन्हें पुकारूंगी नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? हो सकता है उन्हें मेरी आवाज इतनी पसंद आए कि वो मुझसे शादी कर ले। रहने दो जीन, हम सब जानते हैं कि मैं ही राजकुमारी बनूंगी। तुम गलत कह रही हो कैथरीन, तुम बड़ी जरूर हो मगर मैं प्यारी हूँ। इसका फैसला राजकुमार पर ही छोड़ना होगा, है ना? तब तो तुम्हें कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं, तुम रहने दो। मैं कह रही हूँ, चुप रहो। चुप रहो। मैं कह रही हूँ तुमसे, मैं राजकुमारी बनूंगी। मिल तो ले। देखो ये कितना बड़ा है। ओह हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे कि उनका कमरा कौन सा है। कैथरीन, क्या क्या तुम्हें राजकुमार मिल गए? नहीं, पर मुझे एक खूबसूरत गुड्डा मिला। वो कितने खुश नसीब है ये सब पाने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गुड्डा राजकुमार चार्ल्स की तरह लगता है? बच्चों जैसी बात मत करो, उस गुड़िया में कोई खास बात नहीं है। चलो हमें जल्दी से राजकुमार का कमरा ढूंढना है। जरा पीछे तो देखो। इस बार क्या है, कोई जानवर है क्या? राजकुमार चार्ल्स कहाँ, क्या? तुम सबसे पहले वहाँ से बाहर निकले। सचमुच? देखो वो रहे। मैंने कहा था ना, हमें वो मिल गए। मेरी
राजकुमार इस दीवार के ठीक पीछे हैं। मुझे वो मिल गए। न जाने मेरी राजकुमार क्या कर रहे हैं। वो वायलिन बजा रहे होंगे या कविता पढ़ रहे होंगे। इसी वक्त हाँ मुझे कल वाला ब्रेड आज फिर से चाहिए एलेक्स। चार्ल्स ध्यान से, हमें अब तक नहीं पता ड्यूक जराल का इरादा क्या है। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैं जानता हूँ एलेक्स, फिक्र मत करो। मजे करना। किसी दिन हम सिंहासन पर साथ साथ बैठेंगे। चार्ल्स इतने करीब हैं ये जानकर ही मेरा दिल झूम रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। हे, शायद वो राजकुमार चार्ल्स है। वो कहाँ जा रहे हैं? शहर की ओर जा रहे हैं। किसी साथी के बगैर क्या कर रहे हैं? पता नहीं वो कहाँ गए होंगे। हेलो, हाय। क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी सिंड्रेला? नहीं चार्ल्स, बिल्कुल नहीं। मैं राजकुमार को ढूंढ रही थी। वो गायब हो गए। मैंने उन्हें देखा था महल से आते हुए। लग रहा था मानो सबकी नजरें बचा रहे हो। मुझे जरा अजीब लगा। तो तुम अपने पुराने दोस्त चार्ल्स से बात नहीं करना चाहती? क्या, ऐसा नहीं है, मगर बच के रहना, मैं तुम्हारी जासूसी भी कर सकती हूँ चार्ल्स। अच्छा। महल में? हाँ, मैं वहाँ साफ सफाई, सिलाई बुनाई का काम वगैरह करती हूँ। बहुत जल्द मुझे उस हिस्से में डाला जाएगा जहाँ राजकुमार रहते हैं। मगर तुम्हें और तुम्हारी बहनों को ये काम मिला कैसे? ये मुझे भी नहीं पता। हमें नए नौकर के तौर पर रखा गया है, मगर खुद ड्यूक जरेल ने मेरे सौतेली माँ से हम तीनों को महल में भेजने के लिए कहा था। ड्यूक जरेल? उन्होंने मेरी सौतेली बहनों को राजकुमार पर नजर रखने को कहा है। अब मैं समझ गया, जरेल मेरी जासूसी करने के लिए इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। चार्ल्स तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी बातों में खो गया था। ये लो, खाओगी तुम? ध्यान से देखने पर मुझे ये पता चलता है कि ये सारी सिलाई एक ही इंसान ने की है। माफ कीजिए पर ये नामुमकिन है। ये तो कैथरीन और मैंने किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना है लड़कियों। ये साफ जाहिर है कि सारी सिलाइयाँ एक सी हैं और इसका मतलब है तुमने ये सारा काम सिंड्रेला के मत्थे मर दिया। कबूल कर लो अब तुम। जी मैम, हमने उसी से करवाया। ये सजा तो बहुत कड़ी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस तरफ जाओ। मैं क्यों कहीं और जाओ? तुम मुझसे टकराई। मैं इस हिस्से में पहले आई थी इसलिए। नहीं, और वैसे भी तुमने इसे ठीक से नहीं किया है कैथरीन। मैं तुम्हें देखकर थक गई हूँ जीन, तो मेरे करीब मत आना। हटो यहाँ से। तुम हट जाओ। जाओ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि शाही परिवार के इस पुश्तैनी गुड्डे को तोड़ने की सजा क्या हो सकती है। सिंड्रेला, तुम्हारे साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ मैं। शुक्रिया, मुझे भी आपके साथ अच्छा लगा। तुमने मुझसे पूछे बिना उन्हें कैसे निकाल दिया? मुझे माफ कीजिए पर मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था सर। मैंने हुक्म दिया था जराल,
उन निठल्ली बहनों ने हमारा पुश्तैनी गुड्डा तोड़ दिया। अच्छा, वो मिट्टी का गुड्डा जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं था। उन भोली भाली लड़कियों से मेरी जासूसी करवा रहे थे। बड़ी शर्मनाक बात है। जरल, आज के बाद मेरी इजाजत के बाद ही इस महल में किसी को नौकरी पर रखा या निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल हुजूर, मैं समझता हूँ। कहीं उसे कोई शक तो नहीं हुआ। पैच, ओ पैच, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हमें अपने दोस्तों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिर से काम पर। यहाँ की हालत खराब है, जाहिर है मेरे जाने के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। सिंड्रेला, रुक जाओ, किसी चीज को मत छूना। आज जीन और मैं सफाई करेंगे। तुम सिर्फ जाकर आराम करो या फिर अपने इन दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाओ। जीन, कैथरीन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल बढ़िया। अब जाओ, हमें बहुत काम करना है। हाँ, मैं पानी लाने जा रही हूँ। लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। मुझे ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ किचन की सफाई करे। अच्छा होता अगर मैं डचेस को भी काम पर लगाती।